आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जम्मू जिला के सिमतला थाना क्षेत्र के अंतर्गत में कनौदी गांव में एक गोली मार के हत्या हुई है। इसमें कहना है कि गोली ही मार के हत्या किया है। और आइए हम इस लेडीज से पूछते हैं कि इसमें क्या कहना है, लेडीज़ लोगों को क्या कहना है। आप लोग जरा कुछ बोलिएगा कि बोलो, यहाँ सात गो दे तब मर्डर हो पार ले फिर या फिर दूगो मर्डर हो ले तब कैसे किरो चलते यहाँ चला भी ना तो अब किस तरह से यहाँ रहे। तो यहाँ का पब्लिक का कहना है कि बार बार यहाँ घटना इस तरह का हो रहा है कि हम लोग कैसे जिएंगे। आइए और चाची लोग से, मेरा चाची लोग आप कुछ लोग बताइए। बोलो बोलो, हम क्या बोलेगा, हम कुछ कौन सी बोलेगा। आइए दूसरे लेडीज से हम पूछताछ कर रहे हैं। चाची आप बताइए आपका क्या कहना है इस मैटर पे। यह कहना है बार बार जान का हत्या होता है, ऐसे कैसे जुलूम होता है, कैसे रहेगी, यह बोलता है यार कैसे जिंदगी कटेगा। तो यहाँ का लेडीज का कहना है कि इस तरह का बार बार घटना होते रहेगी तो हम लोग कैसे जिएंगे। रात बरात में हम लोग खुला सोते हैं, सोने में दिक्कत इस तरह का होते रहेगा फिर हम कैसे गए। फिर हम दूसरे लेडीज से कुछ कहना चाहती है इनको, इनसे हम और मैया दुश्मन है मार दिल के, हमें नींद को नहीं जान लिए दुश्मन मार दिल के दुश्मन याले मार दिल कहाँ से ले कि अरे हमें नहीं जान पा रही है कुछ। ये आपका कौन है जो हमारा माँ है, हमको माँ है, अम्मा है, हमारा अम्मा है, हम नहीं जान पा लिए अभी हम जान लिए। बताइए इनके बारे में आप क्या कह रहे हैं। ये आपका जो आप ये हादसा हुआ है, इस हादसे के आप कौन लगते हैं। हमारे सास के दुश्मन है, मार दिल के कखनी मार लगे जाने पर लिए कखनी मार दिल के बिहान के जान लियो कखनी मार को कखनी गोली से मार दिल को गोली से मार दिल के। और बोल यहाँ का लेडीज जो है ये अभी बयान दी हुई है, ये क्या नाम है उनका जो डेट की है। सकुना बीबी। सकुना बीबी का आप कौन है। पुतो हुए सकीना बीबी का ये बहू है, इन्होंने जो बयान दिया है तो इन पे मेरा आग्रह है कि थाना प्रभारी और जिला क्षेत्र से सही जांच पड़ताल की जाए। जम्मू जिला का सिमतला थाना क्षेत्र के कनौदी गांव में ये हादसा हुई है। थाना प्रभारी से पूछताछ किए हैं लेकिन अभी इसका कुछ जवाब नहीं दिए हैं। और यहाँ पे बहुत पब्लिक इकट्ठा हुए हैं, इनसे भी बयान लिए हैं। बयान लेने के बाद इनका लड़का जो है सलाउद्दीन अंसारी, इन्होंने बयान दिया है। और अभी थाना प्रभारी अभी तक कुछ बयान नहीं दिए, हमें दो शब्द में कहा है कि इसकी हम पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ करने के बाद हम आपको बताएंगे। सर से पूछते हैं कि इस घटना में क्या एक्शन लिया जाए। सर बताएंगे बोलिए सर बोलिए। अभी तो हम लोग का पता चला है, मोबाइल के द्वारा आए हैं जो देख रहे हैं, बताओ अभी जानकारी हुई आपको, अभी छानबीन के छानबीन कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे। अभी और यहाँ का पब्लिक भी जमा हुए हैं, पब्लिक से पूछताछ करते हैं। जरा इनसे जरा इनका देखिए, जरा जख्म को जरा देखिए। इनका नाम क्या है, नाम क्या है इनका। सकुना बीबी ग्राम कनौदी का रहने वाला है, सिमुलतला थाना क्षेत्र का वासी है। और यहाँ का बहुत सारे पब्लिक इकट्ठा हुए हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि इसके बारे में क्या बता सकते हैं, इसका डिटेल बताइए। तो आपका नाम क्या हुआ। मोहम्मद रईस हुआ। आप बताइए इनके बारे में आप क्या जानते हैं। एक बजे रात लगभग जो है सो इसको गोली मार के चला गया, कोई देख भी नहीं पाया, लेकिन हल्ला तो हुआ कि किधर आवाज़ हुआ लेकिन मालूम ना पड़ा, जबकि इन्हीं को गोली लगा हुआ है। ये आपको कब पता चला कि इनको गोली लगा। ये सुबह पता चला कि मतलब इन्हीं को लग गया, मतलब मारा है, सुबह में पता चला। रात में तो ये पता चला कि कहीं आवाज़ हुआ लेकिन कहाँ हुआ पता नहीं चला, सुबह सुबह पता चला। ये तकरीबन रात एक बजे रात को गोली की फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ा लेकिन पब्लिक जागरूक नहीं हुए उस समय। सुबह जब उठे तब सब किसी को पता चला है, पता चलने के बाद फिर सुबह प्रशासन आए हुए हैं। अब उनका आपका नाम क्या है। मेरा नाम मोहम्मद मुद्दीन अंसारी है।
ये कौन लगेगी आपका? ये मेरी माँ है, हम इसका छोटा बेटा है। अच्छा, तो इनके बारे में आप कुछ बताइए। इनके बारे में बताएंगे क्या, जैसे रात में करीब 1 से 1.5 बजे के बीच में ये घटना हुआ है, किसी को पता तक नहीं चलने दिया हम लोग को। और जब हम लोग को सुबह जब नींद आँख खुली तो देखें किसी ने गोली मार के चल गया है। क्या चीज से हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके बीच में जो है वहाँ देखते हैं कि वो लगता है कि गोली से मारा हुआ है। तो क्या चीज से मारा हुआ, उसकी चीज को आप देखें, आप जरा दिखाइए हमको। देखें कि वहाँ पे बिछाना के ऊपर जो माथे जो माथे के पास रखल था ये वाले गोली। ये इस तरह का हादसा हुआ। हमारा थाना प्रभारी से और जिला क्षेत्र से हमारे अधिकारी से निवेदन है कि इनके ऊपर कड़े सख्त कार्रवाई की जाए। उधर से कुछ आपको बोले हैं कि उन लोगों को समझाइए कि केस हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, जो होगा उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर यहाँ की ग्रामीण का फैसला है, ये ग्रामीण का कहना है, जिसके घर में ये दुखद घटना हुई है वो खुद कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं उसका बेटा कि तब तक नहीं जाने देंगे जब तक जिला से कोई ना आ जाए, क्योंकि सर ये यहाँ पे तीसरी चौथी घटना है। तब इसमें हम क्या कहेंगे, मान लीजिए हम आपको क्या जवाब देंगे? हम तो कानूनी कार्रवाई, हम जाँच पड़ताल करेंगे, जाँच के पश्चात जो आएगा उस पर हम नहीं करेंगे, तब उसके बाद हम लोग हैं। तो देखते हैं आप लोग क्या चाहते हैं। एकदम बिल्कुल करेंगे, एकदम जब तक नहीं आ जाए।